दुर्योधन ने जैसे ही सर को दबाया, सर टमाटर की तरीके से फट गया। दुर्योधन चीखा, ये पांडवों का सर नहीं है। अरे अश्वत्थामा, ये पांडवों का सर नहीं है। अरे पांडवों का सर कोई तितली के पंख नहीं है जो हवा से ही टूट जाएंगे। इसी समय रोशनी की व्यवस्था करो, मैं देखना चाहता हूं ये सिर तू किनके काट करके लाया है। उसी समय आग जलाई गई, रोशनी हुई तो दुर्योधन ने देखा कि द्रौपदी के पांचों बेटों के सिर कटे पड़े हैं। पहले हंसा, तुरंत रोया, और जब रोया और रो करके बोला, अरे अश्वत्थामा, अरे इन बालकों से मेरी क्या दुश्मनी थी, तूने इन्हें क्यों मारा। तो अश्वत्थामा से इतना कहने के बाद में दुर्योधन के प्राण पखेरु निकल गए। अश्वत्थामा वहां से घर लौटने लगा माताओं, लेकिन इधर सुबेरा हुआ तो मैया द्रौपदी ने सोचा चलो पांचों बच्चों को जगाऊं और जगाने के बाद में स्नान ध्यान करवाऊं, पर उस मैया को नहीं मालूम था कि उसके कुल का दीपक बुझ चुका है। मैया ने जैसे ही शिविर का दरवाजा खोला तो वो सफेद चादर लाल रंग के रूप में बदल चुकी है। मां ने देखा और जैसे ही चादर हटाई बिस्तर से तो पांचों बच्चों के शरीर पड़े हैं लेकिन सिर गायब है। कि देरों में खून बह रहा था और मैया पड़ी रो रही थी, क्या दशा बन गई। डेरों में खून बह रहा था और मैया पड़ी रो रही थी, और द्रौपदी बाल बिखराए हुए और लालों पे पड़ी रो रही थी। मैया ने देखा पांचों बच्चों की लाश पड़ी है, सर गायब है। जिस मां का एक बालक मर जाता है वो मां जीते जी अपने आप को संभाल नहीं पाती, और जिस मां के सामने पांच पांच बच्चों की लाश पड़ी हो वो भी अभी नादान बच्चे, नाबालिग बच्चे, क्या दशा हुई होगी मां की। उसी समय भगवान कन्हैया आ गए मुस्कुराते हुए, तो द्रौपदी बोली चले आओ चले आओ, अरे दुनिया का नाश कराने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर हंसी है, चले आओ श्याम। मोहन के आते ही बोली और आओ मोहन पे बाकी है, अधुआ इस खेल तुम्हारे में क्या और कसर भी बाकी है। द्रौपदी ने देखा है भगवान कन्हैया आ रहे हैं, बोली चली आओ श्याम चली आओ। इतना बड़ा महाभारत हो गया, खून की नदियां बह गई। इस महाभारत के युद्ध में ना जाने कितनी बहनाओं के मांग के सिंदूर उजड़ गए और ना जाने कितनी माताओं की गोदी खाली हो गई, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिली श्याम। भगवान कन्हैया बोले बात क्या है, बात क्या है, तुम्हारे सामने मेरे पांच बच्चों की लाश पड़ी और हमसे पूछते हो बात क्या है। जो ये बात सुनी भगवान कन्हैया बोले ये कब हुआ। द्रौपदी बोली वारे श्याम हमसे पूछ रहे हो कि ये कब हुआ, और हमने खुद तुम्हारे मुंह से सुना है श्याम। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल।
हमने सुना है कि बिना तुम्हारी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो बिना तुम्हारी मर्जी के मेरे पांच बच्चे कैसे मारे गए? मुझे तुमसे जवाब चाहिए। दुश्मनी थी, पांडवों से थी, मेरे पांच बच्चों ने अभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, इन्हें क्यों मारा गया श्याम? अरे मेरी गोद भई खाली, कैसे दिल को मैं समझा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे मेरी गोद भई खाली, कैसे दिल को मैं समझा। सुनो श्याम, अरे बिन बेटन के नाए जी पे, अरे बिन बेटन के नाए जी पे, और किन से मन की हाय व्यथा सुनाए, कैसी लीला करी डाली है, कैसे दिल समझा। आंखों में आंसू भर के बोली है सुनो कन्हैया, शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम, आरी उनके जी अरे कोने समझावे, अरे जिनकी चढ़ी रे लगन फिर जावे, अरे उनके जी अरे कोने समझावे, जो सेज पे चढ़त नारी मरी जावे, और मैया के जियरे को समझावे, अरे पांचों बेटा